हाय गाइस, मैं हूँ अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हो आप सब? अभी मैं हेयर कलर के लिए जा रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी अपने बालों को कलर करवाने का, पर कंफ्यूज थी। मेरे बाल जेट ब्लैक हैं और मुझे हमेशा ये लगता था कि अगर मैंने आर्टिफिशियल कलर लगवाया तो फिर मेरे बाल ग्रे हो जाएंगे, तो मैं इसलिए अभी तक खुद को रोक रही थी। पर अब काफ़ी टाइम हो गया है और मेरा मन भी काफ़ी कर रहा था कि कुछ चेंज लाते हैं लुक में और हेयर कलर कराया जाए। आखिर कब तक वेट करूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आज वो दिन आ गया तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग भी बना लूं मैं ये सारे प्रोसेस का और मेरे लुक का। तो बने रहिए इस वीडियो में आप लोग मेरे साथ। एंड में मैं दिखाऊंगी कि कौन सा कलर करवाया मैंने अपने बालों पे। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि देखते हैं कैसा लुक आता है। आज के बाद आप लोगों को मेरे ब्लैक बाल नहीं दिखेंगे, पता नहीं कैसा लुक आएगा। चेंज बहुत ज़रूरी है, एक्साइटेड भी हूँ काफ़ी मैं। तो चलिए जल्दी से हेयर सलून पहुँचा जाए। देखिए बाहर का नज़ारा, जहाँ मैं रहती हूँ अभी भी यहाँ इतनी ठंड है कि बर्फ जमी हुई है और कल भी शायद स्नोफॉल हो यहाँ, और अगर होता है तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ क्योंकि आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मैंने जाके हेयर स्टाइलिस्ट से बात की, कलर के बारे में डिस्कस किया और फिर मैंने सेलेक्ट किया ये कलर 6.43 कॉपर गोल्ड। और फिर स्टाइलिस्ट ने मेरे नेचुरल हेयर कलर को लिफ्ट करने के लिए कुछ कलर्स को मिक्स किया, और ये केविन मर्फी के प्रोडक्ट्स हैं, आप सामने देख सकते हो स्क्रीन पे। अब टाइम आ गया है मेरे नेचुरल हेयर कलर को बाय बाय बोलने का। इस प्रोसेस में सबसे पहले हेयर को वॉश किया जाता है, पर क्योंकि मैं घर से ही हेयर वॉश करके आई थी तो यहाँ पे मैंने हेयर वॉश नहीं कराया। तो सबसे पहले बालों को सेपरेट करते हैं क्लिप्स यूज़ करके, उसके बाद कलर अप्लाई करते हैं और साथ में फॉइलिंग मेथड यूज़ करते हैं। फॉइलिंग मेथड से बेसिकली क्या होता है कि जो स्ट्रैंड्स हैं हेयर के वो सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि जब हम बालियाज करवाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में कलर जाता है। तो यहाँ पे फॉइलिंग मेथड यूज़ करते हैं ताकि जो बाल सेपरेट किया है और जहाँ पे कलर किया है वो मिक्स ना हो। ये बालियाज प्रोसेस है। इस पूरे कलर के प्रोसेस में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया था, और जब सारे फॉइल्स लग गए थे तो उसके बाद सर बहुत ही ज़्यादा हैवी लग रहा था। जैसे कि आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे कि कितने सारे फॉइल्स लगे हुए हैं मेरे बालों पे, और इसके बाद हेयर वॉश होगा। बालों को धोते वक्त ये सारे फॉइल्स निकाले जाते हैं। वॉश करने के बाद ऐसा कुछ लुक आया जब मेरे नेचुरल हेयर कलर को रिमूव किया फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि मेरे बाल डीप ब्लैक हैं नेचुरली, तो सबसे पहले नेचुरल कलर को लिफ्ट करना होता है ताकि बाल थोड़े लाइट कलर के हो जाएं, और फिर उसके बाद जो एक्चुअल कलर है वो अप्लाई करते हैं। अब मेरे बाल ऑलमोस्ट रेडी हैं अपने फाइनल कलर में जाने के लिए, तो फिर से कलर को मिक्स किया और अभी से मेरे बालों पर अप्लाई करेंगे। तो मैंने 6.43 कलर पिक किया था, तो अब ये अप्लाई करेंगे। सो मोस्टली मीडियम ब्राउन टोन्स विथ हाइलाइट्स ऑफ लाइट ब्राउन एंड कॉपर होगा मेरा हेयर कलर विथ सम रेड अंडरटोन।
सेकेंड स्टेप पे कलर को डायरेक्ट बालों पे लगाया जाता है, फॉइल्स यूज नहीं करते हैं और फिर 30 मिनट्स के बाद फिर से वॉश एंड ड्राई। सो गाइस चलिए अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपना नया लुक। और अगले ही दिन यहाँ स्नोफॉल हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना इस नए हेयर कलर के साथ जाके वीडियो बनाई जाए। तो देखिए एंजॉय करिए मेरी स्नोफॉल की वीडियो, क्योंकि मैं तो स्नोफॉल बहुत एंजॉय करती हूँ। गाइस कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा नया लुक, और अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छी वीडियोस बनाऊं। ऑलराइट गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय।